हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 25 फोर क्लास 10th, सब्जेक्ट इंग्लिश है। और ये वर्कशीट आपके लिए 4 सितंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें हम जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं उनके द्वारा लिखी गई जो पोएम है फायर एंड आइस, उसी को पढ़ेंगे। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं वो अमेरिकन पोएट हैं, रियलिस्टिक पोएट हैं। उनकी जो पोएम होती हैं वो बहुत छोटी होती हैं, लेकिन मैसेज उतना ही डीप होता है जितनी छोटी पोएम होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने जो ये उनकी जो पोएम है फायर एंड आइस, ये एक सिम्बॉलिक पोएम है। सिम्बॉलिक यानी इसके अंदर जो उन्होंने फायर एंड आइस वर्ड का यूज़ किया है, वो दोनों जो वर्ड हैं उनका जो लिटरेरी मीनिंग है, फायर का मीनिंग क्या होता है आग, आइस का मीनिंग क्या होता है आइस जो हमें कोल्डनेस देती है, बट यहाँ पे इनका जो लिटरेरी मीनिंग है उससे बिल्कुल हटके ये जो है हमें जो है उसके बारे में बता रहे हैं कि जो फायर है वो डिज़ायर है, लस्ट है, ग्रीड है, और जो आइस है वो हेटर्ड है, इनडिफरेंस है। क्लियर, तो वो चीज़ यहाँ पर बता रहे हैं। सो यहाँ पे पॉइंट जो है वो क्या कहते हैं, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, कि जो वर्ल्ड है उसमें दो लोगों जो लोग हैं उनके दो मत हैं। ठीक है, जो है दो ओपिनियन है कि ये वर्ल्ड जो है ये इसका एंड कैसे होगा। कुछ कहते हैं इट विल एंड इन फायर, कुछ कहते हैं कि जो फायर है यानी डिज़ायर, लोगों के मन में जो लालच है, जो पेटी भरने का लालच है, आपने जो है SST में महात्मा गांधी जी के जो कोट्स हैं उसमें पढ़ा है ना कि पेट भरने के लिए तो है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं है। तो लोग यहाँ पर पेट नहीं भरना चाहते, यहाँ पर पेटी भरना चाहते हैं, जितना मिल जाए उतना कम है। तो इसी चीज़ को वो बताते हैं कि लोगों के दो मत हैं, कि लोगों के मन में जो लालच है, जो ग्रीड है, जो लस्ट है, ठीक है, वो इस दुनिया का खात्मा कर देगी। दूसरा क्या है कि कुछ लोग कहते हैं कि जो आइस है यानी जो नफरत है, हेट है एक दूसरे से, उस वही काफ़ी है इसको दूसरी बार ख़त्म करने के लिए। क्लियर, From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. अब देखिए यहाँ पे जो पोइट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वो क्या कहते हैं कि I have tasted of desire, कि मैंने टेस्ट किया है। अब यहाँ पे टेस्ट तो चक्के तो नहीं देख सकते, यानी उनका क्या होगा, एक्सपीरियंस होगा, डिज़ायर को लेकर उनका एक्सपीरियंस है, पर्सनल एक्सपीरियंस है। वो कहते हैं कि मैंने टेस्ट की हुई है डिज़ायर फायर कि मैं मेरे पास इसको लेकर क्या है, मेरे पास एक्सपीरियंस है, और उस एक्सपीरियंस के चलते मैं उन लोगों के फेवर में हूँ जो ये कह रहे हैं कि ये जो वर्ल्ड है इसका एंड जो है वो फायर के कारण हो जाएगा। नाउ बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्विस, अब बात करते हैं कि अगर एक बार तो एंड हो गया, अगर दूसरी बार भी उसको जो है ख़त्म होना पड़े वर्ल्ड को, तो आई थिंक आई नो इनफ ऑफ इट, कि मेरा ये भी विचार है कि मैं उन लोगों के फेवर में भी हूँ जो ये सोचते हैं कि जो आपसी नफरत इतनी है लोगों के बीच में, उससे भी ये वर्ल्ड जो है ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, जिस तरह वर्ल्ड वॉर हुए, तो अगर इसी तरह के वर्ल्ड वॉर जो है न्यूक्लियर जो हमारे पास वेपन्स हैं उनसे अगर वर्ल्ड वॉर होते हैं, तो वो नफरत ही तो है जो आपस में कंट्रीज़ के बीच में है, तो वो वर्ल्ड वॉर जो है वो सफिशियंट है वर्ल्ड को ख़त्म करने के लिए, वो आई सफिशियंट है। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफिस, ठीक है, तो कि जो डिस्ट्रक्शन है वो जो है इनके लिए जो आइस है, जो डिजायर है, वो जो है क्या है, वो सफिशियंट है। अब यहां पे आपको क्या दिया गया है, यहाँ पे आज जो हम एक और पोएटिक डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे, तो हमने पहले भी पढ़ा है पोएटिक डिवाइसेस क्या होते हैं। जैसे आप हिंदी में काव्य जो है उनको सजाने के लिए काव्य सौंदर्य उनका यूज़ करते हो, और अलंकार होते हैं जो कवि हैं वो अपनी कविताओं में अलंकार का यूज़ करते हैं, काव्य सौंदर्यों का यूज़ करते हैं, तो उसी को हम इंग्लिश में पोएटिक डिवाइस का नाम देते हैं, पोएटिक टूल्स का नाम देते हैं, जो कि जो पोएम होती हैं उनको सजाने का काम करते हैं ताकि वो दिखने में सुंदर लगे, पढ़ने में मज़ा आए, इंटरेस्ट आए, ठीक है, बोर ना हो हम, तो वो पोएटिक डिवाइसेस होते हैं। अब यहाँ पर हमने उससे पहले हमने एलिट्रेशन के बारे में पढ़ा है, ठीक है ना, और भी हमने जो है इसके बारे में सिमिली हमने पढ़ा है, सिम्बॉलिज्म हमने पढ़ा है, तो अब हम इसमें आज जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे
एंजमेंट, ठीक है। तो इसमें जो है एंजमेंट ये क्या है, ये एक ऐसा लिटरेरी डिवाइस है जिसके अंदर जो लाइन हमने पोइट्री की जो ली हुई है, ठीक है, वो जो आइडिया होता है, वो जो थॉट होता है, वो एक ही लाइन में ख़त्म नहीं होता, वो अगली लाइन में कंटिन्यू करते हैं, लेकिन विदाउट अ ग्रामेटिकल पॉज। जो पॉज होता है विदाउट, उसके वो आइडिया अगली लाइन तक एक्सटेंड हो जाता है, उस पोएटिक डिवाइस को हम क्या कहते हैं, उसको हम एंजमेंट कहेंगे, ठीक है। एंजमेंट में अब देखिए यहाँ पे हम समझेंगे, द रनिंग ओवर ऑफ अ सेंटेंस और फेराज फ्रॉम वन पोएटिक लाइन टू द नेक्स्ट। जो रनिंग सेंटेंस या फेराज है वो वन पोएटिक लाइन से नेक्स्ट में जो है कंटिन्यू होता है विदाउट टर्मिनल पंचुएशन। टर्मिनल पंचुएशन यानी देखिए, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, इसके बाद फुल स्टॉप आ सकता था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कोई जो है ग्रामेटिकल पॉज नहीं है। उसके बाद ये लाइन आगे कंटिन्यू की गई है, ये आइडिया जो है आगे कंटिन्यू है, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, ठीक है। इसी तरह फोर डिस्ट्रक्शन आइस के उसके बाद जो है कुछ पॉज नहीं है, कॉमा नहीं है, कुछ नहीं है, इज़ ऑल्सो ग्रेट। तो ये जो है, ये जो पोएटिक डिवाइस है इसको हम एंजमेंट कहेंगे, क्लियर है। अब देखिए, अब आपको बहुत ही आसान से यहाँ पे चार जो है प्रश्न दिए, क्वेश्चन दिए गए हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट वुड सफिस इफ़ द वर्ल्ड वर टू पेरिश ट्वाइस, ठीक है, कि अगर जो है अगर वर्ल्ड को ट्वाइस यानी दो बार अगर जो है दूसरी बार अगर क्या होना पड़े, ख़त्म होना पड़े, तो क्या सफिशियंट होगा, ठीक है। व्हाट वुड सफिस इफ़ द वर्ल्ड वर टू पेरिश ट्वाइस। सो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, आइस, फायर, हेटर्ड एंड बोथ ए एंड बी। तो दूसरी बार जो पॉइंट है वो हमें इस फॉर्म में बताते हैं ना, कि दूसरी बार अगर वर्ल्ड को जो है पेरिश यानी ख़त्म होना पड़ा, तो क्या चीज़ जो है वो सफिशिएंट रहेगी। तो क्या सफिशिएंट है, हेटर्ड, आपस की जो नफरत है वो सफिशिएंट है वर्ल्ड को पेरिश करने के लिए। तो सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड देखिए, व्हाई डू सम पीपल से दैट द वर्ल्ड विल एंड इन आइस, कुछ लोग क्यों कहते हैं कि जो वर्ल्ड है वो आइस से जो है क्या हो जाएगा, वो आइस से जो है पेरिस हो जाएगा, क्यों कहते हैं ऐसा लोग। सो बिकॉज लव अमंग पीपल इज़ इंक्रीजिंग फास्ट, तो ऐसा तो नहीं है, लव अगर फास्ट इंक्रीज हो रहा हो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बी दिया गया है, बिकॉज हेटर्ड अमंग पीपल इज़ इंक्रीजिंग फास्ट, ठीक है। सी दिया गया है, बिकॉज लस्ट अमंग पीपल इज़ इंक्रीजिंग फास्ट, एंड डी दिया गया है, नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी जो है इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि जो हेटर्ड है वो लोगों के बीच में फास्ट जो है वो बढ़ रही है, इंक्रीजिंग फास्ट, तो बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अब आपको यहाँ पे दो जो है बहुत ही आसान से क्वेश्चन दिए गए हैं, और इनके जो आंसर है वो हमने असेसमेंट वर्कशीट में भी किए हैं, क्लियर। तो अब आइए बेटा इनके आंसर करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर थ्री है, फ्रॉस्ट प्रेजेंट्स टू कंट्रास्टिंग आइडियाज दैट लीड्स टू वर्ल्ड एंड, व्हाट मैसेज डज ही वांट टू कन्वे। तो जो पॉम है आपके, उसमें फ्रॉस्ट ने, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने टू कंट्रास्टिंग आइडियाज दिए हैं जिससे वर्ल्ड का एंड हो जाएगा, तो वो इस जो पॉम है उसके थ्रू क्या मैसेज देना चाहते हैं। सो थ्रू द पॉम फायर एंड आइस पोइट वॉन्ट्स टू कन्वे दैट द वर्ल्ड विल कम टू एंड, ठीक है, वर्ल्ड विल कम टू एन एंड ईदर बाय फायर और बाय आइस। Fire here stands for desire, lust, greed, and ice stands for hatred and rigidity. So to save humanity and earth, we should love each other. हमें एक दूसरे से क्या करना चाहिए, एक दूसरे से हमें जो है love करना चाहिए। Now number फोर देखिए, if it had to perish twice, अगर दो बार जो है perish होना पड़े, justify the statement giving reason for the poet's prediction about the world end. तो आपको जो ये दिया गया है, जो आपकी यहाँ पर ये जो सेंटेंस है, इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, अगर दो बार जो है दूसरी बार अगर पेरिश होना पड़े, तो आपको इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है। इफ़ द वर्ल्ड हैड टू एन एंड ट्वाइस देन इट विल बी ड्यू टू द हेटर्ड सिम्बोलाइज बाय आइस। तो यहाँ पर आइस को हेटर्ड से सिम्बलाइज किया गया है। द पॉइंट फील दैट देयर इज इनफ हेटर्ड इन द वर्ल्ड दैट इज स्प्रेडिंग अमंग द पीपल, कि जो वर्ल्ड है इसमें बहुत हेट है, बहुत नफरत है जो लगातार इंक्रीज हो रही है। दिस हेटर्ड विल एंड द वर्ल्ड वन डे, और एक ये नफरत एक दिन जो वर्ल्ड है उसको ख़त्म कर देगी। तो यहाँ से आप अपने आंसर कर लेंगे। सो ये थी आपकी आज की इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 25। सो आई होप सभी को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है बच्चों तो पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए,
शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।